नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे जो है अगर गजेने के फ्लावर इस तरह से लगे हुए हैं, यानी गजेने के जो प्लांट्स अगर आपके पास यहाँ लगे हुए हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप इस प्लांट्स में जो है फ्लावरिंग ले सकते हैं और कैसे ही आप जो इसको आप पूरे समर्थ में बचा के रख सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को अगर आप समर्थ में बचा लेते हैं तो देखिए मैं कहूँ कि जिसका जो नेक्स्ट सीजन में आएगा तो उसमें जो है इस प्लांट से आपको बहुत सारे जो है अब और नए प्लांट्स मिलेंगे और उससे जो फ्लावरिंग अच्छे से आप और ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं जब पहली बार आया था, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत प्लांट है ये गजेनिया का, और इसमें जो कलर्स आपको काफ़ी सारे जो है देखने को मिल जाते हैं, वैराइटीज काफ़ी सारी जो इसमें देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जो इस प्लांट को मैं कहूँ कि जैसे फाइव स्टार्ट हो गया है, तो फिर किस तरीके से आप इस प्लांट को समझ में आप बचा सकते हैं, क्या क्या इसका जो शेड्यूल रहेगा फर्टिलाइजर का, वो कैसे आपको देना है, कितनी इसमें बॉर्डरिंग करनी है, कहाँ पे इसका जो प्लेस है, पूरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में रहने वाली है। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि हमारे गजेने का प्लांट है, तो इसमें जो फ्लावर कितनी खूबसूरत लगती है, और देखिए जो इसमें फ्लावर है, देखिए यहाँ पे कहूँ जैसे सुबह जब सन निकलता है तो वैसे इसका जो फ्लावर यहाँ पे खिल जाता है, और शाम तक जब तक इसमें जो धूप इस पर लगती रहेगी तो फ्लावर खिला रहता है, शाम के समय जो फ्लावर हमारा बंद हो जाता है, यानी कि इसके जो है सनलाइट यहाँ पे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, देखिए समर्स में मैं सबसे पहले कहूँगा कि इसके जो प्लेस है कहाँ पे यहाँ पे करना है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इस प्लांट को जो है सनलाइट यहाँ पे बहुत पसंद है। तो देखिए आप जो है अगर जनवरी में जो है जनवरी फरवरी में जो है आप मार्च तक जो है जो सनलाइट आपको दिखानी है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कम से कम 5 घंटे की जो सनलाइट है आप इस प्लांट को दिखाइए तो आपको प्लांट यहाँ पे अच्छे चलता है और फ्लावरिंग भी आपको देगा। और फ्रेंड्स, जैसे कहूँ कि तीखी धूप यहाँ पे होने लग जाती है हमारी मार्च के बाद, तो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए कि यहाँ पे किसी जो मॉर्निंग की सनलाइट है वो यहाँ पे इसको 1 घंटे की वो लग पाए, और जैसे यहाँ पे तेज़ और गर्मी यहाँ पे बढ़ती रहती है तो फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे मैं कहूँ किसी ग्रीन नेट के नीचे आपको जो है इस प्लांट को आपको रख देना है ताकि वहाँ पे जो इसको हल्की सी छाया मिलते रहे और ये जो प्लांट है यहाँ पे ग्रोथ करता रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे कहूँ कि जैसे जैसे समर का सीजन यहाँ पे आता रहेगा, गर्मी यहाँ पे बढ़ती रहेगी, तो ये प्लांट जो है इसमें जो है फ्लावरिंग तो बंद कर देगा, लेकिन जो है प्लांट आपके पास अब बना रहेगा। और जैसे जैसे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे समर में बढ़ती है, तो यहाँ पे क्योंकि इसके जो है पैसा टाइप आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप जो है इसको नीम ऑयल वगैरह के स्प्रे के साथ जो इसको हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इसके क्योंकि जो अभी तक सनलाइट कैसे आपको उसको जो है प्रोवाइड यहाँ पे करनी है। और अब बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपको वाटरिंग कैसे करनी है। तो देखिए जैसे प्लांट हमारा ये पे रहता है, तो आप देखिए जो हमारा जो बीच का जो प्लांट का जो क्राउन रहता है जहाँ से हमारा प्लांट ग्रो होता है, तो आपको देखिए फ्रेंड्स जो है पानी यहाँ पे देखिए देना है, आपको क्राउन को आपको गीला नहीं करना है। अगर क्राउन आपका गीला करेंगे तो जो आपको प्लांट है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, तो आपको वैसा नहीं करना है। जो पानी है आप साइड से दीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि जो मार्च तक अगर आप इस प्लांट को बचा लेते हैं तो मार्च तक जो है आपको फ्लावरिंग करता है, और मार्च के बाद जो है आपको और इसको बचा लेंगे तो पूरे साल जो आपके पास ये बना रहेगा, और आने वाले समय में आपको फिर इससे जो है और सारे जो है बेबी प्लांट्स इस तरह से बनते हैं, तो आप उस तरह से इससे डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप बात करी जाए इस समय, जैसे फरवरी का जो हमारा समय है आ जाता है, तो फ्रेंड्स इस पर देखेंगे कि इस तरह से क्या होंगे जो हमारे फ्लावर है वो सूख जाते हैं, तो आपको ये जो है इसको हटाते रहना है, नहीं तो इसमें जो है सेड स्पॉट्स बनने वाले स्टार्ट हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, आप इसको हटाने की मैं अगर बात करूँ तो कैसे आपको हटाना है, तो देखिए आपको जो है फ्लावर को ऊपर से कट नहीं करना है, आपको जो है देखिए नीचे से इसकी जो स्टेम है वो पूरी इस तरह से रिमूव करके निकाल देना है। और बात की जाए, देखिए अगर आप इसमें अभी सीड्स बनने देंगे तो आपको जो प्लांट है वो फ्लावरिंग अभी बंद कर देगा, तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो फ्लावरिंग अभी ले, और थोड़ा भी फैब के गुजरने के बाद जो है इसमें जब इक्का दुक्का फ्लावर आएगा तो फ्रेंड जो आप उससे जो है सीड्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो सीड स्पॉट बनने में आपको पता है कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देता है, तो इसलिए जो है आपको सीड स्पॉट्स अभी ना बनने दें, बाद में बना लीजिए। तो जैसे सीड स्पॉट्स यहाँ पे कहाँ बनते हैं, तो फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे गेंदे वगैरह के पौधे रहते हैं उसमें जो फूल रहते हैं जो सीड जैसे बनते हैं, वैसे ही इसमें जो है सीड्स अभी बनते हैं। तो देखिए इस तरह जो फूल है हमारा जो सूख जाता है, तो देखिए इस तरह से पीछे जो जिसकी है तो उसके जो सारे सीड्स यहाँ पे बनते हैं, उस तरह से आप जो उसके सीड्स यहाँ पे रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए बनाने के लिए। और इसका जो एक फ्लावर है कम से कम मैं कहूँगा 3 दिन तक तो इसी तरह से होल्ड करता है, तो आप इस तरह से शाम के समय अगर बंद हो जाता है ये मत बिल्कुल सोचिए कि वो सूख गया है, तो आप जो है उसको अगले दिन नेक्स्ट डे वापस से वो ब्लूम करता है, तो कम से कम जो इसका फ्लावर है 3 दिन तक जो है इस तरह से खिलता है। अब बात की जाए फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो कहूँगा कि फर्टिलाइज़र वगैरह की, तो फ्रेंड्स देखिए आप जो है इसमें जैसे गर्मी यहाँ पे आ रही है तो फर्टिलाइज़र आपको क्या क्या यहाँ पे देना है, तो देखिए जो है मैं कहूँगा मार्च तक जो है आप इसमें सरसों के लिए अगर फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो है इसमें आप सरसों के लिए फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ मत कीजिए क्योंकि जो है वो हमारा गर्म फर्टिलाइज़र रहता है तो समर्स में। तो आप फ्रेंड्स आप इसमें देखिए ठंडी खाद आप डालिए, तो इसमें जो है आप वर्मी कंपोस्ट का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर जो कंडे का है वो फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और वैसे इसमें अगर फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो जो इसको है
वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे बहुत पसंद है, तो आप वो इसमें दे सकते हैं जो कि स्लो रिलीज रहता है, तो उसकी जो आप लेयर एक बना के डाल दीजिए और मार्च तक पर इसमें दीजिए, और उसके बाद जो आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल कम कर दें। तो जो हमारा एक बार लेयर बना के जो इसमें डालेंगे धीरे धीरे जो है वो अपने प्लांट्स को ये लेता रहेगा और ग्रोथ यहाँ पे करता रहेगा। बाकी फ्रेंड्स आप जो है इसके साथ जो है इस पर नीम वगैरह का स्प्रे लेते रहिए, इसके जो है पत्ती वगैरह पर भी पेस्ट अटैक होता है, तो आप जो आपने क्योंकि हाथ से जो है उसको तोड़ के रिमूव कर दीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स देखिए आप जो है अगर नीम वगैरह का प्लांट का जो है स्प्रे वो अपने प्लांट के ऊपर ले सकते हैं। देखिए इस तरह से क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह से देखिए पेस्ट आपको जो है छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह से मॉल दिए देखिए आपको दिखाई देंगे, तो आप जो है नीम वगैरह का स्प्रे लीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स जो है आप मैं कहूँगा कि आप जो है जैसे कि हमारा शैम्पू जो रहता है तो शैम्पू का जो आप थोड़ा लिक्विड बना के वो भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी जो सारे पेस्ट है वो आपके दूर हो जाएंगे। नहीं तो फ्रेंड जैसे कि आप जो है इमिडाक्लोपीड वगैरह जो किसी केमिकल वगैरह का स्प्रे लेना चाहते हैं तो वो भी आप अपने प्लांट पर ले सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक रहता है जो कि अब वो जो आप ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो जो पत्तियों की दूसरी तरफ रहता है वो भी अपने आप से उसमें हो जाता है, जो हमारा सिस्टम कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा रहता है। तो इसमें जो फ्लावर है आपको जो है देखिए मई तक जो इसमें इसी तरह से फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वैसे जो है आपको सिर्फ इसकी कोशिश करनी कि ज़्यादा तेज़ गर्मी से आपको बचाना है, बाकी आप इस प्लांट को मार्च तक जो है सनलाइट दिखाइए, बाकी इसकी थोड़ी सी केयर अगर आप इसको बचा लेते हैं तो समर्स में आपके पास जो है मैक्सिमम बहुत सारे जो फ्लावर यहाँ पे इससे मिलने वाले हैं और नए बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ की सिंपल सी केयर अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छा यहाँ पे बना रहेगा, और कोशिश कीजिए कि आपका जो प्लांट है इसके लिए जो मिट्टी है आप वेल ड्रेन बनाइए, अगर आपने जैसे भी यहाँ पे बनाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है उसकी गुड़ाई वगैरह प्रॉपर तरीके से करते रहिए, उसमें जो आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होने देना है। और यहाँ पे देखिए कोशिश कीजिए आप जितने भी आप फ्लावरिंग प्लांट आप लगाते हैं तो उसमें जो आप प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल ना कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से जो है मिट्टी गमले का इस्तेमाल कीजिए, तो ये जो है काफ़ी बेटर यहाँ पे रहते हैं, सीमेंट पॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें महंगे जरूर पड़ते हैं, देखिए उसके साथ साथ महंगे तो पड़ते हैं लेकिन आपकी जो ये पे क्या प्लांट की जो लाइफ है वो यहाँ पे ये बढ़ा देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जो है सीमेंटेड पॉट या मिट्टी के पॉट का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ इतनी सी जो केयर है आप करते हैं अपने गजेनिक के साथ तो उसमें जो फ्लावर आपके पास बने रहेंगे, आपके गार्डन में जो प्लांट है ये परमानेंट बन जाएगा और से आप मल्टी प्लांट भी आपके बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे दादी की अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।